नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। शहर में इन दिनों अपराधियों के हौसले बड़े ही बुलंद हैं, दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज ऐसा ही एक वाक्य सामने आया जब आधार कार्ड बनवाने के लिए आए एक बुजुर्ग दंपति की जेब से निकाले गए 50,000 रुपए। बता दें कि हनुमान चौराहा स्थित एक आधार कार्ड सेंटर पर जब बुजुर्ग दंपति अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुंचे तब चोरों ने उनकी जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए जो वो बैंक से लेकर आए थे। ना ही वहां पर कोई कैमरा लगा था और ना ही किसी ने देखा। अब देखना यह होगा कि बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर पुलिस क्या एक्शन लेती है और कब तक इन जेब कतरों को पकड़ पाएगी। क्या नाम? बैंक से निकल भाग लेके आए। क्या नाम है बाबू जी आपका? तो कितने पैसे निकाल लिए? 50,000। आधार कार्ड बनवा रहे थे आप? यातायात पुलिस की चेकिंग अभियान के दौरान कई सारी विषमताएं देखने को मिल रही हैं, जिसका विरोध करने पर छात्रों को मिली थप्पड़ खाने की धमकी। मामला गायत्री मंदिर के पास कंट्रोल रूम के सामने का है जहां पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। छात्रों के अनुसार सिर्फ गरीब तबके के लोगों को ही वहां पर रोका जा रहा था और उनसे चालान के पैसे लिए जा रहे थे। वहीं कुछ रसूखदार लोगों को जो कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे थे और 3 सवारी घूम रहे थे उन्हें छोड़ दिया जा रहा था। इसके लिए जब लॉ कॉलेज के छात्रों ने आवाज उठाई तो वहां पर खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल ने उनके साथ अभद्रता की। छात्र का कहना है कि जब उन्होंने आपत्ति उठाई तो ट्रैफिक कांस्टेबल राकेश कुशवाहा ने उनके साथ अभद्रता की। साथ ही कहा कि हमें नियम सिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा। समझ से परे है कि ऐसे किस तरह की वाहन चेकिंग हो रही है जो कुछ लोगों को तो छोड़ा जा रहा है, वहीं गरीब तबके के लोगों को पकड़ा जा रहा है। क्या इसी का नाम वाहन चेकिंग है? जब ये पूरा वाक्य हुआ तो वहां पर ट्रैफिक TI मनीष जाबर ही मौजूद थे। हालांकि उन्होंने इस बात में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। पुलिस प्रशासन का गलत हो रहा है, ये सब इधर चालान कट रहे हैं। गरीब आदमियों को रोका जा रहा है। अभी मत दे, हमारे साथ चल रही हो तुम। नहीं बना रहा, सबको बनाओ, छोड़ रहा है। यहाँ पे मैं उधर से आ रहा था कॉलेज साइड से, तो मुझे ये देखने को लगा यहाँ पे कि चालान काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब कानून के जो रक्षक हैं इनकी तरफ से बिल्कुल नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यातायात प्रभारियों की तरफ से भी देखा गया कि एक साइड से बिल्कुल मतलब किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है वाहनों के लिए, टू व्हीलर के लिए। और एक साइड से मुझे देखा गया कि मतलब कुछ लोगों को रोका जा रहा है, जो दूध बेचने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, उनको रोका जा रहा है। और कुछ लोग जो स्पेशल क्वालिटी के हैं उनको छोड़ा जा रहा है, भले वो 3 बैठे हैं या 2 बैठे हैं उनको छोड़ा जा रहा है बगैर हेलमेट के भी। इसमें आपने आपत्ति उठाई तो यहाँ पे हमारे एक आरक्षक आगे बोलते हैं, यातायात के कांस्टेबल राकेश कुशवाहा बोलते हैं कि आप हमको ज़्यादा नियम कानून मत बताओ, आप में एक थप्पड़ पड़ जाएगा, आपसे नियम कानून हम बहुत ज़्यादा जानते हैं।
नवंबर से लापता युवक का नहीं लग पाया अभी तक कोई सुराग। नानाखेड़ी मंडी के पास अचानक रात को 11 बजे लापता हुए प्रदीप ओझा का आज तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। कई बार पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों ने इसकी शिकायत कैंट थाने में भी करवा दी थी, जिसके बाद भी आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी तारतम्य में ओझा समाज के लोगों ने आज एसपी नीमिष अग्रवाल से गुहार लगाई। परिजनों ने कहा कि कई बार बीच में मोबाइल चालू भी हुआ है, उसके बाद भी पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है। न जाने ऐसी क्या पुलिस की असमर्थता है जो ये कर नहीं पा रहे। वहीं समाज बंधुओं ने गुहार भी लगाई कि जल्द से जल्द गुमशुदा बालक की तलाश की जाए। अपहरण का केस भी हो सकता है सर, ये बात थोड़ी सी हमको समझ में आ रही है, अभी तक हम इस बात पे पहुँचे हैं। निश्चित कोई ना कोई उसको उठा के ले गया है, कोई जबरदस्ती के बच्चे भी हैं, कल के लिए उसकी प्लानिंग भी थी, दूसरे दिन क्या काम करना है उसको। पुलिस का ऐसा कहना है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, पुलिस एसपी साहब से बात भी हुई थी तो उन्होंने कह रहे थे वो काम अब हम पूरी तत्परता से कर रहे हैं। अब तत्परता से कर रहे हैं वो बात ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर उसका अंजाम तक पहुंचना आवश्यक है ना। अंजाम रात को चालू हुआ था, उस समय पूरी लोकेशन जो मोबाइल चालू हुआ था 12:30 से सुबह 6:30 तक चालू हुआ था, और उसमें जैसे उनके घर वालों ने प्रदीप ओझा घर वालों ने रिंग किया था, तो रिंग किसी ने उठाया नहीं उस मोबाइल पर। फिर एसपी साहब को सूचना दी गई थी उनके प्रदीप ओझा के चाचा द्वारा, तो एसपी साहब ने भी रिंग की थी, कुछ मैसेज दिया था, इसके बावजूद वो अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ की लोकेशन थी, वो लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। पच्चीस तारीख से भोपाल में मुस्लिम समाज का धर्म सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इसी तारतम्य में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे DRM के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समुदाय के लोगों ने कहा कि 25 तारीख से भोपाल में शुरू होने जा रहे धर्म सम्मेलन, जो कि कई वर्षों से वहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोग ट्रेनों से सफर कर भोपाल पहुंचते हैं, वहीं भोपाल जाने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। समाज के लोगों ने कहा कि यदि 19 तारीख तक इस हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उसके बाद वे उग्र आंदोलन तक करने को बाधित होंगे। अब देखने लायक होगा कि उनके इस ज्ञापन की तरफ से रेलवे की क्या प्रतिक्रिया आती है। 12 से 15 जिले के लोग उस ट्रेन से सफा करके शास्त्री नगर पहुँचते हैं, क्योंकि अस्थायी रूप से जो बंद की गई है ट्रेन, उन्हें अगर चालू किया जाएगा तो निश्चित रूप से सुविधा होगी, इसलिए हमने अस्थायी रूप से चालू किए जाने के संबंध में माननीय DRM के नाम से आपके द्वारा ये आवेदन दिया है, उसमें तत्काल अगर कार्रवाई हो जाए ज़्यादा बढ़िया। पहले से डिसाइड रहती है तारीख, 6 महीने पहले हो जाती है। DRM रेलवे मंडल मध्य प्रदेश को एक आवेदन, एक ज्ञापन, एक सूचना, एक चेतावनी इस आधार पर दी गई है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में दिनांक 25, 26 और 27 को एक आलिमा इज्तिमा होता है, आलिमी, तब 20 से 30 लाख लोग शामिल होते हैं और देश विदेश और सारे लोग शामिल होते हैं। चूँकि गुना शिवपुरी और ज़िले और साथ में राजस्थान से आने वाले लोग भी ट्रेन में सफ़र करके ही उस इस्तेमे में पहुँचते हैं। वर्तमान में किन कारणों से ट्रेनें बंद की गई हैं, जबकि काफ़ी ट्रेनें चल रही हैं, काफ़ी बड़ी ट्रेनें भी यहाँ से निकल रही हैं, तो हमने एक आवेदन दिया है मंडल को कि यदि 19 तारीख तक किसी प्रकार की कोई जानकारी इस संबंध में नहीं दी जाती है कि अस्थायी ट्रेन चालू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो 19 के बाद अगर हमारे आवेदन पर सद्भावनापूर्वक कार्रवाई नहीं होती है तो हम 25 से पहले पहले उग्र आंदोलन करेंगे और जो संवैधानिक तरीका है उससे लड़ाई लड़ेंगे। नए गर्भ निरोधक साधन छाया और अंतरा के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज से शुरू हुआ। ANM ट्रेनिंग सेंटर में दिलाया जा रहा है इसका प्रशिक्षण, साथ ही समस्त ANM कार्यकर्ताओं एवं नर्सिंग स्टाफ को इसके उपयोगों के बारे में बताया जा रहा है। बताया गया है कि इसे लेना बहुत ही सुरक्षित है और इसे लेने से महिलाओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। और एमडी बंद होने तक, जब तक महिला बच्चा न चाहे तब तक ये टैबलेट शुरू के 3 महीने तक हफ्ते में 2 बार और उसके बाद 14 महीने से एक बार। ठीक है ना, और एमसी के पहले दिन से ये टैबलेट कौन सी वो महिलाएं
सकती है जो बच्चा करना वो एमसीबीएगा 15 से 49 टाइम बाद, ठीक है ना। जो गर्भधारण योग्य महिला है वे महिलाएं वो सभी ले सकती है जो गर्भधारण योग्य हो। परिवार नियोजन की नई गर्भरोधक इंजेक्शन और गोली आई है। जो गोली है छाया नाम से टैबलेट है जो महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए नई गर्भरोधक साधन है। तो महीने में शुरू के महीने में ये 3 महीने तक हफ्ते में 2 बार खाना है और 3 महीने बाद हफ्ते में 1 बार इसको लेना है। ये नॉन हार्मोनल है, इसमें कोई हार्मोन नहीं है, इसलिए महिला को कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये बहुत सेफ और अच्छी गोली है महिलाओं के लिए। तो महिला जब तक चाहे जब तक गर्भधारण नहीं होगा और वो लेती रहे। और ऐसे अंतरा इंजेक्शन है वो हर 3 महीने में 1 बार लगना है और 3 महीने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव वर्ष पर शासकीय उत्कर्ष स्कूल में बौद्धिक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर प्राचार्य अजय निगड़ीकर, अध्यक्ष महेंद्र सिंह संधु, सचिव महेश सोलंकी, मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, ध्यानु बना आदि उपस्थित रहे। यहां सभी मंचासीन अतिथियों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही बताया कि 14 नवंबर को बूढ़े बालाजी मंदिर पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर चलचित्र शाम 7 बजे से चलाई जाएगी। समिति के लोगों ने ज्यादा ज्यादा तादाद में लोगों के वहां पहुंचने की उम्मीद जताई है। हम लोग यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 नवंबर 1666 को हुआ था, 22 दिसंबर 1666 को, उनको 350 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं 22 दिसंबर 2016 को। तो इसी के उपलक्ष में श्री गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे ये बच्चों को आपको जानकारी है सभी को, कौन कौन बच्चे जानते हैं हाथ उठा बच्चे। गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना है, हाथ उठाकर बताइए किस किस ने सुना, सभी ने सुना। जैसा कि देख रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद सिंह जी, इनके व्यक्तित्व पर अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने प्रकाश डाला, उसके बाद आदरणीय सोलंकी जी ने भी इस पर प्रकाश डाला है। मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा आपको इसके अतिरिक्त बता सकूं। देखिए, अपन लोग धर्म से यहाँ पर बहुत सारे हिंदू बैठे हुए होंगे, मुसलमान बैठे हुए होंगे, इसके अलावा भी अन्य धर्म के लोग हो सकते हैं। मैं आपको भारतवर्ष के प्रारंभ के समय में ले चलता हूँ, जब हमारा भारतवर्ष भारतवर्ष नहीं जम्बूद्वीप होता था। आज हम कहते हैं इसको भारत, इसको पहले जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, और आज जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, वर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जम्बूद्वीप का हिस्सा होता था। और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पूर्वज आकर बसे थे जिन्हें हम आर्य कहते हैं। इतिहास में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो हम लोग धर्म से आर्य हैं। क्या हैं अपन लोग? धर्म से आर्य हैं। फिर हिंदू क्यों कहे जाते हैं धर्म से? हिंदू इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हम सिंधु के मैदान में आकर बसे थे। सिंधु जिसका विदेशियों ने उच्चारण किया हिंदू, ऐसे हम हिंदू कहलाए और ऐसे हमारा देश हिंदुस्तान कहलाए, कालांतर में हिंदुस्तान कहलाया। आरओ नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा श्रीदास हनुमान मंदिर पर पद्मावती फिल्म का विरोध किया गया, जिसमें वीरांगना पद्मावती की छवि खराब करने एवं गलत कहानी को दर्शाया जा रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध दर्ज करते हुए श्रीदास हनुमान मंदिर पर पुतला दहन भी किया गया। इस पुतला दहन में विक्की शर्मा, चंद्रेश रघुवंशी, राजू ओझा, बबलू राजपूत, जितेंद्र रघुवंशी, युवराज शर्मा, मोनू राज, राजू लोधी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। वीडियो
आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आरोन नगर में श्रीदास हनुमान मंदिर समिति द्वारा आयोजित की जा रही रामलीला में रावण वध एवं राम को राजतिलक हुआ। कलाकारों द्वारा इसका सुंदर मंचन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। तत्पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उसके बाद आरती की गई। याद रहे कि नगर में विगत एक माह से चली आ रही रामलीला का कल अंतिम दिन था। इस अवसर पर हमारे पहलवान सिंह जी से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। राधोगढ़ में बरवटपुरा में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा के पांचवे दिन कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। कथाव्यास श्री अशोक जी महाराज द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में भागवत कथा सुनने के लिए श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में योग शिविर के तीसरे दिन के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र चाचौड़ा के संयुक्त तत्वावधान में योग प्रचारक प्रकल्प राजेश शर्मा द्वारा ग्राम नवलपुर विकासखंड चाचौड़ा में 5 दिवसीय शिविर के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान से लगाया जा रहा है 5 दिवसीय योग शिविर में लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस शिविर के तीसरे दिन स्वच्छता विषय पर लेकर गांव में साफ सफाई की गई तथा नेहरू युवा केंद्र चाचौड़ा ब्लॉक समन्वयक संदीप मेहरा द्वारा नेहरू युवा केंद्र की गतिविधियां बताई गई, स्वच्छता पर विस्तृत जानकारी भी दी गई। वहीं गांव वालों को बताया गया किस तरह स्वच्छता को लेकर वे अपने परिजनों एवं बच्चों का ख्याल रख सके।
चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। डीजियाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।